कौन से थाने की प्रॉब्लम ली होगी? शरीफाबाद थाने की। अच्छा, अभी क्या आपको उन्होंने बोला? धमकी दी असमय के साथ है, बेटे को खा के ले गए। दो तीन दिन से घर पे फाइल लेके आ रहे हैं लोग ना, तो धमकी भी दे रहे हैं कि भाई आप प्लॉट खाली करो वरना आपके ऊपर FIR दर्ज करके आप कब्जा करके बैठे हुए हैं, अगर ऐसे नहीं तो 10 लाख रुपए दो हमें तो प्लॉट खाली करो। जो धमकियाँ दे के मतलब किसी तरह कह रहे हैं कि प्लॉट खाली करो। तो ये फाइल भी लेके आए थे, जाली फाइल है, पता नहीं क्या है। तो आप गुजारिश है इस चीज़ पे ज़रा देखें, फाइनल ध्यान करें ताकि हमें परेशानी से दूर कर सकें। तकरीबन सारे लोग ही परेशान हैं, सारे लोग खड़े हुए भी हैं आज, इकट्ठे इसी वजह से हुए हैं कि सबको परेशानी हो रही है। हर एक घर पे आके लोगों को बोल रहे हैं कि आप धमकियाँ दे रहे हैं, पत्ता मांग रहे हैं उनसे कि ये पैसे दो भाई वरना प्लाट डाली। असले का जोर काम कर रहे हैं, असले का जोर पे भी कर रहे हैं और पुलिस मिलावा से साथ लेके आ रहे हैं। एडमिन और एसपी सारे मिलावा से, तकरीबन जितना भी पुलिस स्टेशन वाले सब मिलके लगाए हुए बोल रहे हैं, इसीलिए प्लाट खाली करने वाला बता देते हैं। गुजारिश है इस चीज़ को जरा देखें ताकि हमें तसल्ली हो सके, हमारे घर सेफ रहे। सेफ रहे हम बता दें या अपने घरों को सेफ करें या इनको पुलिस वालों को मतलब वो करें। इस वक्त हम मोहम्मद खान कोर्ट के तमाम लोगों के साथ खड़े हैं जो अपनी फरियाद वज़ीर-ए-आला सिंध, गवर्नर सिंध, डीजी रेंजर्स, आईजी, वज़ीर-ए-आज़म, सदर पाकिस्तान और तमाम जो हमारे मुल्क के जिम्मेदार हैं उनसे तमाम लोग ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये वो गरीब लोग हैं कि जिन्होंने एक एक तिनका जोड़कर अपने घर को बनाया है। आज 20 साल के बाद कुछ लोग जो जाली डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं, और पहले इनका कहना है कि आके दरवाजे पे बदमाशी की, गुंडागर्दी की, फिर पुलिस की मदद से उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया, और फिर ये कहा जाता है कि आप पैसे ले लो और मकान खाली कर दो या फिर हम आपको जेल में डाल देंगे। अब गरीब लोग हैं, डर जाते हैं, लेकिन मैं हुकूमत वक्त से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा रहा आप तो इन आवाम के वारिस हैं, और इस मुल्क में खसूसी तौर पर जो मिनॉरिटीज़ रहती हैं, अगर मिनॉरिटीज़ अपने आप को गैर महफूज समझती है तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है और गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी शर्म की बात है कि अगर आप मिनॉरिटीज़ को तहफ़ नहीं दे सकते तो आप उनसे उनका सब कुछ छीनने के ऊपर तुल गए हैं, तो फिर इसको हम क्या समझें। तो मेरी आला हुकूमत के तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह से जो जुल्म और ज्यादती गरीब आवाम के साथ की जा रही है, इनके ज़बरदस्ती घर खाली किए जाते हैं और वो भी जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, तो इसमें जो अफसरान मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और खुसूसी तौर पर मैं चीफ जस्टिस साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इन लोगों के लिए कुछ सोचें, इस पर सो मोटो एक्शन लें, क्योंकि इनकी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं, और हमारी आखिरी अमीर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान हैं, और उनसे हम ये कहते हैं कि अकलियतों को तहफ़ दिया जाए, अकलियतों को उनके घर से बेघर ना किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने ये बात की थी कि यहाँ पर अगर हमारी बेटियाँ महफूज नहीं है, हमारे घर महफूज नहीं है, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है, तो फिर हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं। आप फिर किस तरह से कहते हैं कि आप बराबर के शहरी हैं? अगर हम बराबर के शहरी हैं, इस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क हमारा है, इसमें हमारे आबाओ अजदाद का खून दिया गया है, तो आज उन लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो मैं तमाम अपने लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हम आपके लोग हैं, आपकी आवाम है, आपको आवाम ने वोट दिया था ताकि इनको तहफ़ मिल सके, और आज ये अपने आप को लावारिस समझ रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम आला हकाम से
इस पर फौरी तौर पर जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। थैंक यू।